आज हम इसको इंजीनियर की हॉरोस्कोप के साथ डिस्कस कर रहे हैं। रूल्स थोड़े बहुत लिख लेना, बाकी नोट्स तो आपके पास सब है, क्योंकि एक्चुअली जो नोट्स मैंने भेजे हैं तो बोलते वक्त बहुत सी चीजें अलग हो जाएंगी जो आपके शायद नोट से मैच ना कर पाए। तो इंजीनियर एक बहुत ही हार्डशिप वाली मेहनत वाला रिसर्च वाला काम है हमारा, जिसके लिए हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हम इंजीनियरिंग की लाइन में आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब स्टडी करोगे तो सबसे पहले आपने फिफ्थ हाउस जरूर देखना है हर एक होरोस्कोप में, जिसने स्टडी करके रिसर्च करके हम अगर अपने इसको प्रोफेशन में लाएंगे तो फिफ्थ हाउस का संबंध 10th हाउस से बनना इसमें सब में बहुत जरूरी हो जाता है, ये चीज याद रखना। टेक्निकल प्लैनेट के लिए, टेक्निकल वर्क के लिए हमारे पास प्लैनेट आते हैं सन, मार्स, शनि, राहु, केतु, ये सब टेक्निकल प्लैनेट है, क्योंकि इस काम के अंदर 100वें प्लैनेट का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये जितने भी हमारे ये प्लैनेट हैं, गुस्से वाले, क्रूर हैं, पीड़ित हैं, ये सब प्लैनेट ही हमें इंजीनियर में सक्सेस दिला पाते हैं। और बुध और गुरु को हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि बुध और गुरु जो है वो हमारी शिक्षा का कारक है, तो इसके अंदर बृहस्पति और बुध को भी हम देख लेते हैं। और बृहस्पति को एक इसलिए भी इसमें मंगल, शनि और राहु केतु के साथ देखेंगे क्योंकि बृहस्पति जो है हमें वो एक हमारी इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, तो उसके लिए भी हम गुरु को जरूर देख लेते हैं इसके अंदर। और मरकरी को हम इसलिए देखते हैं कि कई बार मैकेनिकल इंजीनियर है या कैलकुलेशन वाली कुछ इंजीनियरिंग आती है, तो उसके अंदर हम मरकरी को भी, बुध को भी जरूर देख लेते हैं। इसके अंदर सभी प्लैनेट के नक्षत्रों को जरूर याद रखना है, मंगल, सूर्य, शनि, बुध और गुरु के सभी के नक्षत्र हैं वो भी है। इसमें एक प्लैनेट हमारा वीनस तब आएगा इंजीनियरिंग के अंदर क्योंकि सौम्य है, अगर कहीं ना कहीं वीनस पीड़ित है तब हम टेक्निकल इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, क्योंकि वीनस को रासायनिक इंजीनियर के लिए भी लिया गया है। और सैटर्न और बुध अगर आ रहा है, क्योंकि पीड़ित प्लैनेट के साथ अगर वीनस आ रहा है तो रासायनिक में जाएगा, और अगर बुध के साथ भी अगर सैटर्न आ रहा है पीड़ित कर रहा है बुध को, तो सिविल इंजीनियर में जाएगा। ये सब शायद आपकी चीजें नोट्स में नहीं होंगी। तो सैटर्न को हमने किसी लिए लेना है कि सैटर्न मशीने हैं, और इंजीनियरिंग के मैकेनिकल किसी भी काम में मशीनें सब में होंगी, तो सैटर्न मशीनों के लिए है। और सैटर्न है कि आपका, आपने सुना कि इंजीनियरिंग का काम जो है ना बहुत ही गहराई और डीप में जाकर है, और सैटर्न ही गहराई और डीप देता है। सैटर्न हमें यहाँ बैठे बैठे दूरदृष्टि भी देता है, तो इसमें सैटर्न का रोल बहुत जरूरी है। मार्स को इसलिए ना क्योंकि मार्स जो है हमें उपकरणों को दिखाता है, मार्स भी एक तरह से मशीनों से भी जुड़ा हुआ है। और मंगल और शनि के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा इंजीनियर का योग बन जाता है हॉरोस्कोप के अंदर। कुछ लोग कंप्यूटर की इंजीनियर भी करते हैं, उनके साथ हमारा सोम्य प्लैनेट वीनस और बुध का भी रोल आ जाएगा यहाँ पे। और ये सिर्फ प्लैनेट्स की बात है, अब हम बात करते हैं कि कुछ राशि, राशि के अंदर हम अपना 3 साइन है, 3, 7, 11, ये हमारी वायु तत्व की राशि है। इन वायु तत्व की राशि को भी हम तकनीकी इससे टेक्निकल एजुकेशन से भी हम इनको जोड़ जोड़ सकते हैं। और हाउसेस को देखें तो हाउसेस के लिए जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपके पास फोर्थ और फिफ्थ हाउस तो आपका आएगा ही आएगा, जिसमें आपने 10th हाउस के साथ संबंध बना देना है। उसके बाद आपका इसमें फोर्थ हाउस है, आपका फिफ्थ हाउस है, आपका 10th हाउस है, इन्हीं प्लैनेट के साथ अगर पूरी तरह से संबंध सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का बन रहा है तो केमिकल इसके इंजीनियर के योग है। और सबसे बड़ी चीज है कि इंजीनियर वही बन सकता है कि जिसका लगन बहुत स्ट्रोंग होगा, क्योंकि लगन स्ट्रोंग होने की वजह से ही इस तरह के काम को किया जाएगा, क्योंकि ऐसे काम में क्या चाहिए, बहुत ही स्किल्स चाहिए, टिक के बैठने की हिम्मत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, लगन चाहिए एक जगह पे, जो कि सौम्य प्लैनेट्स ये सब चीजें हमारे को नहीं देते हैं। और एक हमारा केमिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर के लिए चंद्रमा भी आएगा, क्योंकि विश केमिकल जुड़ जाता है, तो चंद्रमा के साथ आपका सैटर्न का रोल भी आ सकता है या उसके साथ आपका मार्स का भी रोल आ सकता है। तो इंजीनियर की हॉरोस्कोप के लिए प्लैनेट्स, पीड़ित प्लैनेट तो ये वाले लेने ही है हमारे, अशुभ प्लैनेट, शुभ प्लैनेट लेने हैं, तो शुभ प्लैनेट अशुभ हो जाए, यानी कि अशुभ प्लैनेट के प्रभाव में जब शुभ प्लैनेट आ जाएगा तो समझो कि शुभ प्लैनेट भी अशुभ हो गए हैं, तभी आप उनको अपनी आगे जो भी बताया, जैसे कंप्यूटर का है उसमें बुध बुध आपको चाहिए,
केमिकल का है उसमें आपको वीनस सॉरी चंद्रमा चाहिए, रासायनिक है तो उसमें आपको वीनस चाहिए, तो ये सब चीजें आपने देखनी है। तो इंजीनियर का हम अब चार्ट लगाते हैं,